नमस्कार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, किन कारणों से होता है, इनके क्या लक्षण होते हैं और ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आजकल की भागम भाग भरी जिंदगी में किसी के पास अपने लिए वक्त ही नहीं है। जिंदगी की इस कश्मकश के कारण लोगों का लाइफस्टाइल, खान पान, रहन सहन बिगड़ चुका है। इसी भागम भाग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हैवी स्ट्रेस के कारण महिलाएं कई सारी बीमारियों की चपेट में आ रही हैं, जिनमें से एक बीमारी का नाम है पीसीओडी या पीसीओएस। महिलाओं में ये बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। ज्यादातर लेडीज पीसीओडी और पीसीओएस का शिकार बन रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 8 से 13% महिलाएं पीसीओएस की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। ये समस्या इनफर्टिलिटी का सबसे प्रमुख कारण है। भारत के आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर 5वीं महिला इस बीमारी से ग्रसित है। अगर इसका टाइम से सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इनफर्टिलिटी जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, जिसके कारण आगे चलकर महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है और आपके माँ बनने का सपना अधूरा रह सकता है। इसीलिए इसके बारे में आपको सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि समय पर इसका इलाज हो सके। तो चलिए बात करते हैं पीसीओडी या पीसीओएस आखिर है क्या। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें महिलाओं की ओवरी में बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं। इसके कारण महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। पीसीओएस से पीड़ित महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबी हो जाती है और साथ ही मेल हार्मोन्स एंड्रोजेंस का लेवल भी बढ़ जाता है। पीसीओडी या पीसीओएस की गंभीर स्थिति से महिला की ओवरी में हर महीने 10 से ज्यादा फॉलिकल्स या सिस्ट बनने लग जाते हैं। अगर समय रहते इसका उचित ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां भी आ जाती हैं। अब बात करते हैं किन कारणों से पीसीओडी या पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला प्रमुख कारण है अत्यधिक जंक फूड का सेवन करना, एक्सेसिव अमाउंट में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना, जरूरत से ज्यादा वजन होना, लंबे समय तक स्ट्रेस का बना रहना, हार्मोनल इंबैलेंस होना, हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना। कई बार जेनेटिकल कारणों से भी ये समस्या हो सकती है। अगर परिवार की महिलाओं को पहले से ही ये बीमारी है तो हो सकता है आने वाली जनरेशन में ये बीमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाए। इरेगुलर पीरियड्स, यानी के अगर किसी महिला को बहुत ही कम पीरियड्स आ रहे हैं या 3 से ज्यादा महीने से पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं तो ये भी पीसीओडी का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा चेहरे पर कील मुहासे आना, फेस और बॉडी पर अनचाहे बालों का आना, बालों का पतला होना, बालों का झड़ना, ओवुलेशन ठीक से ना होना, पेट के आसपास फैट का बढ़ जाना और वजन का तेजी से बढ़ते जाना, ये सभी पीसीओडी या पीसीओएस के प्रमुख लक्षण हैं। अक्सर देखा जाता है एलोपैथिक मेडिसिन और ट्रीटमेंट के बाद कई महिलाओं की बॉडी में साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको लेना चाहिए आयुर्वेद का सहारा, क्योंकि आयुर्वेद केवल बीमारी को ठीक ही नहीं करता बल्कि बीमारी को जड़ से सही करता है। आयुर्वेद में पीसीओडी और पीसीओएस व अन्य फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारी समस्याओं का इलाज किया जाता है। पंचकर्म में उत्तर बस्ती थेरेपी से महिलाओं की ये सारी बीमारियों का हम सफल इलाज कर सकते हैं। उत्तर बस्ती थेरेपी इतनी इफेक्टिव है कि इससे ना केवल पीसीओडी पीसीओएस जैसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बल्कि इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इनबैलेंस, इरेगुलर पीरियड्स, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियां भी जड़ से खत्म हो सकती हैं। उत्तर बस्ती में औषधीय तेल व काढ़ों को वजाइना के थ्रू यूट्रस में डाला जाता है, जिसके कारण गर्भाशय के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है और एक फीमेल का सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है। इसके अलावा कई तरह की आयुर्वेदिक हर्ब्स भी पीसीओडी और पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स में बेहद कारगर साबित होती हैं।
जो कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दी जाती हैं। इन आयुर्वेदिक हर्ब्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अगर आप भी पीसीओडी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करना चाहती हैं, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का सहारा लीजिए और अपने नजदीकी हिम्स हॉस्पिटल या शुद्धि क्लिनिक में जाकर विजिट कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।